नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा देख रहे हैं। जैसा कि आप अब तक समझ चुके हैं, ज्ञान अड्डा में हम ऐसे मुद्दों के बारे में बात करते हैं जो एक वक्त पर कभी सटीक तर्क वाली मान्यताएं थी और अब समय के साथ जब उनमें धर्म जोड़ दिया गया, विश्वास जोड़ दिए गए, तो वो अंधविश्वास बन चुके हैं। आज इसी सिलसिले में हमने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो आप सब रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि एक ऐसी बात है जो हम सब ने ना सिर्फ सुनी है बल्कि उस पर यकीन भी किया है और अपने से छोटे लोगों को इस बात को बड़ा खौफ के साथ समझाया भी है। जी हाँ, शायद आप अब तक गैस कर चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं उस सांप की जो अगर आप उसे मारने चाहें तो आपकी तस्वीर ले लेता है और आपकी तस्वीर आंखों में कैद कर वो बदले के लिए जरूर लौट कर आता है। जी हाँ, ये वही कहानी है जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं और अगर तर्क ना समझा जाए तो आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसे ही सुनाते रहेंगे कि अगर आप एक सांप को मारने की कोशिश करते हैं तो अगर आप उसे पूरे तरीके से उसका सर को कुचल ना दो तो वो आपसे बदला लेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी तस्वीर अपनी आंखों में कैद कर लेता है और वो बदले के लिए जरूर लौट कर आता है। ये तर्क कुछ ऐसा है कि इसने बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों को भी प्रेरित किया है और वो फिल्में आप सबने देखी है, बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैंने खुद ने 10-12 बार देखी ली होगी। तो चलिए अब इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि पहले तो क्या ये बात सच है, क्या सांप वाकई किसी की तस्वीर अपनी आंखों में कैद कर सकता है। लेकिन इससे पहले एक और सवाल, क्या सांप कुछ भी याद कर सकता है? अब देखिए, जवाब सुनकर शायद आपको हंसी आने वाली है, क्योंकि जहां तक सांप की बात है तो सांप के पास मस्तिष्क तो होता है, सांप के पास ब्रेन तो होता है, लेकिन उनके ब्रेन में सेरेब्रल हेमिस्फीयर नहीं होता है। जी हाँ, नहीं यकीन है तो गूगल करके देख लें, सारे फैक्ट्स वहीं से क्रॉस चेक करते हैं। सांप के ब्रेन में सेरेब्रल हेमिस्फीयर ना होने की वजह से उनमें चीजों को याद रखने की क्षमता बिल्कुल ना के बराबर होती है। ये एक ऐसा कारण भी है जिसकी वजह से अब सांप को एक पालतू नहीं बना सकते हैं, सांप को आप एक पालतू जानवर नहीं बना सकते हैं। हाँ, लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, लेकिन बहुत लोग सांपों को लेकर फिरते हैं, तो इसका जवाब सीधा सा ये है कि सांप को आप पालतू नहीं बना सकते हैं लेकिन उसे टेम जरूर कर सकते हैं। जैसे चाबुक के डर से जंगल का शेर कूदना सीख जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से सांप को भी आप ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन सांप के पास याद रखने की क्षमता होती ही नहीं है, इसीलिए आप उसे ट्रेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी सिखाई हुई कोई भी बात वो याद नहीं रखेगा। आपकी सिखाई हुई बात तो दूर की बात है, सांप को ये तक याद नहीं रहेगा कि आप उसके मालिक हैं, आप वो हैं जो उसका पालन पोषण करता है। यही बड़ा सिंपल सा फैक्ट है आपको समझाने के लिए कि सांप कभी भी बदला लेने के लिए आपके पास लौट ही नहीं सकता है। हाँ, अब लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आपने गौर किया होगा कि हर कोई जब कभी सांप से अनचाहा एनकाउंटर हो जाता है, जब रास्ते में कभी सांप दिख जाए और अटैक करने की कोशिश करता है, तो सामने वाला इंसान अपने बचाव में सबसे पहले यही चाहता है कि वो सांप के सर को कुचल दे। अब सांप के सर को कुचलने के पीछे का तर्क क्या है, इसे जरा ध्यान से समझिएगा। सांप में एक खूबी होती है, खूबी ये है कि अगर उसके सर को काट भी दिया जाए तो वो उस स्थिति में भी आप पर हमला कर सकता है, वो स्थिति में भी इतना ताकतवर होता है कि वो आपको जख्मी कर सकता है। और तो और, सांप का अगर पूरा शरीर यानी कि उसके शरीर के सारे पार्ट्स डैमेज हो जाए, नंब हो जाए, उसके बाद भी सांप तुरंत नहीं मरता है, वो धीरे धीरे वक्त लगा कर ही मरता है। इसीलिए जब किसी का सांप से सामना होता है तब उनकी कोशिश यही रहती है कि सांप के सर को कुचल दिया जाए। इसलिए नहीं क्योंकि सांप की आंखों में उनकी तस्वीर कैद हो गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि घायल अवस्था में भी सांप इतना ताकतवर होता है कि वो अपने जहर से आपको अस्पताल तक भेज सकता है। बात अगर सांप की हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बड़े अंधविश्वासी हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ हम सांप को और सांप की प्रजाति के सारे जानवरों से इतना डर दिखाते हैं, अलग अलग जो तरीके के सांप होते हैं उनके लिए अपने मन में भ्रम पाले रखते हैं, बात जब नाग और नागिन की हो जाए तब तो कहानियाँ ही अलग बुनी जाती है कि अगर आप नाग को नागिन के सामने मारे तो वो बदला लेने के लिए 4 जन्म बाद भी आपके पीछे आती है। ये सारी बातें बस कहने सुनने की और कहानियों तक ही रह जाती है, बहुत से बहुत हो जाए तो उन पर बॉलीवुड मूवी बना लेती है, लेकिन इनमें कोई तर्क नहीं होता। ये बातें वो नहीं है जिन पर आपको यकीन करने की ज़रूरत है। और अगर आप सांप की और नाग की बात कर ही रहे हैं तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर साल भारत में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में जो हमारे देवता हैं शिव जी, उनके ऊपर सांप को हम सजा हुआ देखते हैं और शिवलिंग पे जब जब जल चढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पर जो नाग उनकी रक्षा कर रहा होता है उन पर भी जल चढ़ाते हैं। और तो और, अगर बात विष्णु भगवान की जाए तो उनके ऊपर जो है उनके बारे में तो मैं आपको क्या ही कहूँ। इसीलिए सांप से डर को जोड़ना और अलग अलग कहानियाँ बनाना ये बस बेतुकी बातें हैं और उनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हमें बातों के पीछे छुपे
तर्क को समझने की कोशिश करें और अंधविश्वास को नहीं बल्कि मान्यताओं को उनके तर्क की वजह से ध्यान रहें और उनसे अपने हिस्से की सीख लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ध्यान रहेगा कि सांप का सर कुचलना अगर वो आप पे जानलेवा हमला करता है तो वो इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो तस्वीर लेकर बदला लेने आएगा। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सांप को आप पूरी तरीके से नहीं मार पाते हैं तो वो घायल अवस्था में भी इतना ताकतवर होता है कि वो आपको घायल करके ही छोड़ेगा। इसी के साथ आप देखते रहे लाइव सिटीज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आप ऐसी और कौन सी मान्यताओं के पीछे के तर्क समझना चाहते हैं। आप लाइव सिटीज़ की टीम को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।